ये घटनाएं साल 2014 की, जब 62 साल की एक महिला जिसका पति सिक्योरिटी गार्ड था अपने पति को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची क्योंकि पति को सीने में दर्द की शिकायत थी। डॉक्टर ने देखने के बाद कहा कि इनका चेकअप करना पड़ेगा जिसके लिए 5000 रुपयों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उस वक्त उस महिला के पास इतने पैसे थे ही नहीं। तब गाँव वालों ने बताया कि हमारे गाँव में मैराथन होने वाली है और जीतने वाले को 5000 रुपये मिलेंगे। फिर क्या था, ये महिला साड़ी और चप्पल पहनकर मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच गई। बीच रस्ते में ही उसकी चप्पल टूट गई, लेकिन फिर भी वो महिला रुकी नहीं तब तक जब तक कि वो मैराथन को जीत नहीं गई। और जीतने के बाद जब उसे 5000 रुपए मिले तो उन पैसों से उसने अपने पति का इलाज करवाया। गाइस, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये रियल घटना है और उस महिला का नाम है लता भगवान खरे। गाइस, इस महिला की दिलेरी के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दुनिया के बेहद शक्तिशाली लोगों की ये बातें आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देंगी। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले शेक्सपियर, दूसरों की भावनाओं के साथ कभी मत खेलो, क्योंकि आप खेल जीत सकते हो लेकिन जोखिम यह है कि आप निश्चित तौर पर जीवन भर के लिए उस व्यक्ति को खो दोगे। नेपोलियन, दुनिया बहुत पीड़ित है और पिछड़ भी रही है, बुरे लोगों की हिंसा के कारण नहीं बल्कि अच्छे लोगों की चुप्पी के कारण। आइंस्टाइन, मैं उन सभी लोगों के लिए आभारी हूं जिन्होंने मुझे किसी चीज के लिए मना किया, अभी मैं जो यह हूं उन्हीं की वजह से हूं, क्योंकि अब वो सब चीजें मैं खुद कर पा रहा हूं। उसके बाद लास्ट में स्वामी विवेकानंद, सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं, उस पर विश्वास करो, यह मत मानो कि तुम कमजोर हो। गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर उन्हें अपनी जिंदगी में करना क्या है। कुछ लोग तो पैशन को ही खोजते रहते हैं और इसी चक्कर में रह जाते हैं और सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इस बात पे अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस का क्या कहना है पता है? वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ इस वजह से अनसक्सेसफुल रहते हैं क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट या पैशन को अपने ऊपर थोपते हैं। वो ये कहते हैं कि याद रखिए कि आप अपने पैशन को कभी नहीं चुनते बल्कि आपका पैशन आपको चुनता है। गाइस, आप इस बात से कितने इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कोक स्टूडियो पाकिस्तान का एक फेमस म्यूजिक प्रोग्राम है जो कि सन 2008 में शुरू हुआ था, जिसमें लाइव स्टूडियो रिकॉर्डेड म्यूजिक परफॉर्मेंसेस होती हैं और उसमें बहुत से इंडियन सिंगर्स ने भी गाया है। बहुत से फेमस गानों को स्टूडियो वर्जन में सुनना एक अलग ही फीलिंग देता है जो कि कोक स्टूडियो में मिलती है। और जब मैं इन गानों को सुनता था तो मुझे लगता था कि कुछ ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए और इस कमी को पूरा किया टी सीरीज के मिक्स टेप ने। और अभी रिसेंटली टी सीरीज ने मिक्स टेप का सीजन 3 लॉन्च किया है, जिसमें यूट्यूब की सेंसेशनल जोड़ी सचेत और परंपरा ने भी एक गाना गाया है जिसका टाइटल है तू ही मेरी जिंदगी। ये गाना उन्होंने इतनी खूबसूरती से गाया है जो कि आपके दिल को छू लेगा। गाइस, क्या आपने वो गाना सुना है और आपको वो गाना कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आप अपने आप को मिरर में तो जरूर देखते होंगे और आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि आपको मिरर में सब चीज उल्टी दिखाई देती है, आपको लेफ्ट की चीज राइट में और राइट की चीज लेफ्ट में दिखती है। इसका मतलब मिरर आपको ऑब्जेक्ट को रिवर्स करके दिखाता है। इसी वजह से कागज पे कुछ लिखा हुआ जब भी आप शीशे के सामने रखते हो तो आप उसे पढ़ नहीं पाते हो क्योंकि सारे अक्षर आपको रिवर्स करके दिखते हैं। लेकिन अब आ गया है ट्रू मिरर जो कि आपको ऑब्जेक्ट को रिवर्स करके नहीं बल्कि एज इट इज दिखाता है। आपको लेफ्ट की चीज लेफ्ट में दिखती है और राइट की चीज राइट में। इनफैक्ट जब आप कागज पे कुछ भी लिखा हुआ ट्रू मिरर के सामने रखते हो तो आप उसे आसानी से पढ़ पाते हो क्योंकि वो एज इट इज आपको दिखाई देता है, उल्टा नहीं। इसका मतलब ट्रू मिरर नॉन रिवर्सिबल इमेजेस प्रोड्यूस करता है। गाइस, इस ट्रू मिरर को ऑनलाइन खरीद भी सकते हो। आपको ट्रू मिरर के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।